क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है और उनके खर्चों का अनुपात इतना है, तो और वो दोनों व्यक्ति प्रति महीने इतने रुपए बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय क्या है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, एक तरफ है उस उन दो व्यक्तियों की आय और एक तरफ है उनका खर्च। ठीक है, अनुपात में दे रखा है, आय का जो अनुपात है वो 9:7 है दो व्यक्तियों का, और जो खर्च का अनुपात है वो 4:3 है। ठीक है, लेकिन जो यदि प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये अगर हर महीने बचा लेता है तो क्या होगा? ठीक है, पहला व्यक्ति भी हर महीने 2,000 बताता है, दूसरा व्यक्ति भी 2,000 बताता है, उनकी आय कितनी होगी वो हमें बताना है। ठीक है, सो देखो जब भी अनुपात में क्वेश्चंस होते हैं तो हमें कैसे मानना पड़ता है, छोटी क्लासों से हम करते आ रहे हैं। मानेंगे जो प्रथम व्यक्ति की आय हो जाएगी, यहाँ पर प्रथम व्यक्ति की आय, ठीक है बेटा, वो हो जाएगी 9x, और द्वितीय व्यक्ति की, द्वितीय व्यक्ति की आय वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 7x। इसी तरीके से खर्च, प्रथम व्यक्ति का खर्च, प्रथम व्यक्ति का खर्च कितना होगा, 4y, और द्वितीय व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3y। ठीक है, प्रश्न अनुसार पहला व्यक्ति भी 2,000 रुपये बचाता है, दूसरा व्यक्ति भी 2,000 रुपये बचाता है, प्रथम शर्तानुसार, या डायरेक्ट प्रश्नानुसार लिखना से काम चल जाता। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखना, प्रथम व्यक्ति की खर्च इतनी है, सॉरी आय इतनी है, खर्च इतना करता है, बचत क्या होगी, देखो जितना कमाते हो उसमें से खर्च माइनस कर दोगे तो बचत आ जाएगी, है ना। तो इतना रुपए कमाता है, इतने रुपए खर्च करता है, और बचाता कितना है, 2,000 रुपये। तो ये पहला समीकरण आ जाएगा, और वो दूसरे वो क्या है बेटा, कमाता है इतने रुपए, खर्च वो इतना रुपए करता है, और वो भी बचाता है 2,000 रुपये। तो दोनों की कमाई निकालनी है। ठीक है, सो देखो बच्चों ये आ गया, अब इन दोनों समीकरणों को अब हल कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा, देखो इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 4 से गुणा कर दो, और इसको फिर हल कर लो, 3 से गुणा करोगे, 9 3 27x, 7 3 12y, 3 2 6 1,000 हो जाएगा। फिर 4 से गुणा करोगे तो 7 28x, ठीक है, 7 3 12y, और ये हो जाएगा 4 2 8 1,000। देखो समान चिन्हों पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस का टर्म, यहाँ से आ जाएगा माइनस के एक्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2,000। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया बच्चों, 2,000। उनकी मासिक आय हमें ज्ञात करनी है, तो आय के लिए मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, वाई तो नहीं चाहिए, मासिक खर्च के लिए बोलता तो वो बात अलग थी। ठीक है, सो प्रथम व्यक्ति की मासिक आय, प्रथम व्यक्ति की आय, आय क्या थी, 9x, 9x थी, 9 गुणा 2,000, तो 9 दिन 18,000 रुपये वो महीना कमाता है। प्रथम व्यक्ति की आय इतनी हो जाएगी। अगर व्यय निकालना होता तो x का मान हम यहाँ रख देते समीकरण में, हल करते y का मान आ जाता, फिर यहाँ रख देते, तो प्रथम व्यक्ति की और द्वितीय व्यक्ति की हम व्यय भी निकाल सकते थे, खर्च भी निकाल सकते थे। द्वितीय व्यक्ति की आय निकालनी है, द्वितीय व्यक्ति की आय वो हो जाएगी बेटा 7 गुणा 2,000, यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा 7 दुनी 14, सो द्वितीय व्यक्ति की आय कितनी है, 14,000, और प्रथम व्यक्ति की आय कितनी है, 18,000। आराम से बन गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा हमारा, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं दी गई आकृति में, या आपका NCERT का क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, इनका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आपको OA7 दे रखा है, देखो बेटा OA7 है, अगर ये 7 है तो ये भी आपका 7 होगा, ये भी 7 होगा, और ये भी 7 होगा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ना बेटा मैं, है कि नहीं, 7 ही होगा। सो देखो बच्चों, अगर ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, 7 इसका ये व्यास होगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, स्मॉल आर, 7/2। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आप खुद ही सोचो, इतना तो अलग से जोड़ना ही पड़ेगा, और इतना इतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले अर्धवृत्त से त्रिभुज क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी इतना इतना बचेगा, है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? तो देखो बेटा बड़े, अरे यार क्या लिखेंगे, बड़े अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये तो इतना पार्ट आ गया, और उसमें ये वाला जोड़ना पड़ेगा, प्लस छोटे वृत्त का अर्धगोला लिख दिया यार, अर्धवृत्त होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ अर्ध वृत्त है, गोला नहीं, ठीक है। सो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, ये देखो ये इसकी त्रिज्या है, कैपिटल आर हमारी 7 हो जाएगी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र कब लगाते हैं, जब ऊंचाई आपकी लंबवत हो, लंबवत ऊंचाई है बिल्कुल है, और इसमें लग जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 2 होता है, ये सूत्र भी सही से लगाया है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पाई का मान बेटा 22/7, बट्टे में ऑलरेडी 2 है, और कैपिटल आर का मान कितना है, 7, ऊपर आ जाएगा 7 × 7, ठीक। देखो बेटा आधार कितना हो जाएगा, आधार आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर 7 है और यहाँ 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 14, और ऊंचाई कितनी है बेटा, 7, पाई का मान 22/7, और छोटे वाले त्रिज्या का मान है 7/2 × 7/2, 7 से 7 कटा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 7 से 7 कटा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 11/7 = 77, ठीक है, यहाँ से आएगा 7/7 = 49, और यहाँ से आएगा 11/7 = 77/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक, ओके। सो देखो 77 में से 49 घटाओगे तो आ जाएगा 28, 28 70/2, लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 28 × 56 +77, ठीक है, तो जोड़ोगे 7 और 6 13, हासिल लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13/2, भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, आराम से हो गया, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, कह रहे दी गई आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, जो कि आपको दिख रहा है, संकेंद्री वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं, यदि दोनों का जो उभयनिष्ठ कोण वो 30 डिग्री दे रखा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो नीला नीला दिख रहा है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा, जब बड़े वाले पिज्ज़ा के स्लाइस में से पीला वाला स्लाइस काट के फेंक दोगे इतना, तो यही ब्लू ब्लू बचेगा, है ना, तो देखो बेटा डायरेक्ट मैं करूँगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो वो होगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, देखो दोनों का थीटा तो बेटा वही 30 है, बड़ा वाला त्रिज्या आपका 21 है और छोटा वाला त्रिज्या आपका 7 है, तो ये हो जाएगा थीटा, सूत्र क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा थीटा कितना है बेटा 30/360, पाई फिलहाल बाद में रखेंगे, आर हमारे पास कितना है 21, यार रख ही देते हैं, कट जाएगा तो काट देते हैं, क्या दिक्कत है, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 21 × 21, इधर भी वही 30/360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान है 7 × 7, 7 से 7 कटा, ये आ जाएगा 12 बार, 7 × 21 ये आ जाएगा 12 बार, 3 × 4 = 12, ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 1 = 1, और काटो 2 × 12, 2 × 2 = 2, और कटेगा
फिलहाल तो नहीं, ऊपर आ जाएगा 11 गुणा 21 बट्टे में यहाँ 2, और वहाँ से आ रहा है 11 77 77 बट्टे 6। ठीक है, अब आपको इनको हल कर लेना है, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इनको जब आप हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 102.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपके एनसीईआरटी का वही क्वेश्चन है जो कि मैं इन सबको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है इम्पोर्टेंट, जो कि आपके 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहे यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा बी सी के समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बट्टा ए बी, ए डी बट्टा ए बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टा ए सी इसके बराबर होगा। और पहले ही बोल रखा है कि ये भुजा इसके समानांतर है, तो समानांतर है तो उसका प्रमेय लग जाएगा यार, चूंकि डी ई समानांतर है बी सी के, अतः थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार, ठीक है, थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी बट्टे डी बी किसके बराबर होता है, ए ई बट्टे ई सी। इसको भी प्रूफ करने के लिए अलग से एग्जाम में आ सकता है प्रमेय 6.1 को, बट हाँ यहाँ पर नहीं पूछा गया तो हम करेंगे नहीं। अब ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी होता है, क्या करेंगे ना इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, पलटने पर व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा डी बी बट्टा ए डी ये हो जाएगा ई सी बट्टा ए ई, हमेशा याद रखना पलटना है, जैसे ही पलट दो उसके बाद अगला स्टेप दोनों तरफ एक एक जोड़ देना है, जोड़ दो लॉस ऑफ तो बेटा देखो ए डी आ जाएगा, ए डी प्लस डी बी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए ई और ये हो जाएगा ई सी प्लस ए ई। अब खुद देखो ए डी, ए डी और डी बी, ए डी और डी बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, और ए ई और ई सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है कि नहीं। अब इन मानों को यहाँ रख दो, ऊपर वाला आ जाएगा ए बी बट्टा ए डी और ये आ जाएगा ए सी, ए सी ठीक है, ए सी बट्टा ए ई ये हो जाएगा। अब फिर से पलट दो, लास्ट में आपको फिर से पलटना होता है, फिर पलटने पर ये लिख देना ए डी बट्टे ए बी और ए सी बट्टा सॉरी ए ई बट्टा ए सी, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आशा करता हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, किसी भी पॉइंट में डाउट दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये मैंने पहले ही करा रखा है, ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जिसको मैंने कुछ दिन पहले ही करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, पूरा करा रखा है। ठीक है, सो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 3, ठीक है, और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं तीनों तीन तीन क्वेश्चनों में से एग्जाम में हर बार आते हैं, सो आपको इनको अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि इन्हीं में से बार 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 पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे बिंदु हो इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करते हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसकी मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ और हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, आपके 2 बिंदु दे रखे हैं, 5, -6 और दूसरा वाला दे रखा है -1, -4। एक बिंदु पी मान लेते हैं क्योंकि वाई अक्ष बोला है बेटा, वाई अक्ष के लिए एक्स क्या होता है, 0 होता है। सो आपको किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लेते हैं M1 अनुपात M2 में व्यक्त करता है। ठीक है, ये अनुपात आपको निकालना है और साथ ही साथ इस निर्देशांक को भी निकालना है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर आपको अनुपात निकालना है जिसका मां आंकिक मान पता है, ये विभाजन बिंदु है तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अंतः विभाजन हो रहा है, विभाजन सूत्र से, क्योंकि एक्स का मान पता है आपको, एक्स का मान क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 M1 प्लस M2, यही होता है। सो बच्चों आपको पता है कि बेटा कि ये आपका X1 है, ये आपका Y1 है, ये आपका X2 है, ये आपका Y2 है, X का मान आपको 0 दे रखा है यहाँ से। ठीक है, विभाजन सूत्र से M1 का मान नहीं पता, X2 का मान -1, M2 का मान नहीं पता, X1 का मान 5 बट्टे में M1 प्लस M2, ठीक है, नहीं पता है, इसके बट्टे में 1 ले लिया, तिरछी गुणा कर दो। ठीक है, आपको पता है इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ होती है, कर देंगे यहाँ आ जाएगा 0 -K M1 प्लस K 5 M2, तो यहाँ
क्या हो जाएगा बच्चा, m1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस वाला इधर आके हो जाएगा प्लस वाला, m1 गुणा 1 लिख सकता हूँ, और इधर है बट जाएगा 5 m2। m1 है ये, m2 इधर गुणा में इधर आके बट्टे में हो गया, यहाँ 5 है ये 1 बट्टे में आ गया, तो बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात, तो ये आ गया 5:1। आंसर पहला वाला आंसर यही हो गया। उसके बाद दूसरे बार में क्या करना है, ये वाई निर्देशांक में निकालना है, चूंकि वाई बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान कितना है 5, m2 का मान है 1, 5, y2 का मान कितना है -4, m2 का मान 1, y1 का मान है आपका -6, फिर m1 प्लस m2 5 प्लस 1, 5 चौके 20 -6, तो यह आ जाएगा 26/6, 2 से काटोगे माइनस के 13/3। ठीक है, तो बिंदु निकालना था हमें 0, y, तो 0 y का मान आ गया -13/3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है हर बार। अब हमसे बोल रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये जो ABC है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको याद कराना सिखा देता हूँ। x1 से स्टार्ट करो, x1 के बाद लिखना है आपको y2, y2 के बाद क्या आता है y3, x1 के बाद क्या आएगा यहाँ पर x2, आपने y3 पे ख़त्म किया, y3 से शुरू करो, y3 के बाद क्या आता है y1, x2 के बाद क्या आता है x3, आपने y1 पे ख़त्म किया, y1 लिखो, y1 के बाद क्या आता है y2। हो गया सूत्र, याद हो गया। ठीक है, अब मान रख दो यहाँ पर धड़ाधड़, ऊपर से देखो और मान रखो, x1 का मान कितना है 7, y2 कितना है 5, y3 कितना है -4, माइनस माइनस प्लस, x2 कितना है 3, y3 कितना है -4, y1 कितना है 6, x3 कितना है 7, y1 कितना है 6, y2 कितना है 5। ठीक है, मान रख दिए, अब सरल ही करना बाकी है। 5 और 4 9, 9 7 63। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 10, 10 3 30 माइनस का, और यहाँ से आ जाएगा 1 7, तो 63 और 7 हो जाएगा 70, में से 30 घटाएंगे 40, 40/2 ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे 20^2। हो गया आंसर, हर साल आ सकता है, इसी कॉन्सेप्ट में संग्रह वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है सर, या तो संग्रह आएगा या फिर ये वाला आएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि कॉसेक -sin a गुणा सेक गुणा कॉस ए इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, सो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉजिक क्या कहता है, कोई सर्वसम्मिका यहाँ पर लग रही है, नहीं लग रही, नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदलो, साइन कॉस में बदल देंगे, कॉसेक को लिख सकता हूँ मैं 1/sin, और यहाँ पहले से ही साइन है। ठीक है, और सेक को लिख सकता हूँ मैं 1/cos, और यहाँ पर पहले से ही कॉस है। ठीक है, इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक एक ले लूँ। ठीक है, फिर क्या करते, लॉसोप लेते साइन, और यहाँ का लॉसोप आ जाएगा कॉस, तिरछे गुणा करेंगे 1 + 1 साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर ए, 1 + 1 कॉस गुणा क्या कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है क्या पता है, 1 - sin² ए क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बट्टे में क्या है साइन ए, गुणे में 1 - cos होता है sin² a, बट्टे में क्या है cos a। सो देखो, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, ये चीज़ तो आपको मिल चुकी है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको आंसर भी तो लाना है प्रॉपर, काटोगे एक पावर कम हो जाएगी, काटोगे एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ से है क्या बचा, cos a - sin a बचा बचा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में cos a - sin a, क्योंकि आंसर मुझे यही नहीं लाना है, आंसर मुझे ये लाना है, तो थोड़ा दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा अलग तरीके से आंसर्स को लाने के लिए, क्योंकि आंसर्स बट्टे में है, अपॉन में है, तो इस चीज़ को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, इसको हल करोगे फिर से यही आ जाना है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाऊँ, एक इस एक को मैं लिख सकता हूँ sin² a + cos² a लिख सकता हूँ, और ये बट्टे में है, क्या करूँगा मैं बट्टे वाले को मैं क्या करूँगा, दोनों के ना अलग अलग बट्टे में ले लूँगा, इसके बट्टे में भी क्या कॉस ए साइन ए लिख दूँगा,
और इसके बट्टे में भी कौन से साइन लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो एक घात कम हो जाएगी और कॉस से एक घात कम हो जाएगी। यहाँ क्या बचा? साइन ए बट्टे कॉस ए, और यहाँ बचा कॉस ए बट्टे में साइन ए। साइन बट्टा कॉस क्या होता? टेन, और कॉस बट्टा साइन क्या होता? कॉट। आपको यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना? हो गया। तो ये क्वेश्चन भी शानदार है, आराम से कर लिया हमने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मुझे नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, हर एक क्वेश्चन आता है। आप मुझे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दो, मैं ज़रूर कर दूंगा। सो ये मैं चाहता हूँ, अगर आप खुद से ट्राई करें, नहीं आता तो ये मैं बता भी दे रहा हूँ कि कहाँ का क्वेश्चन है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5वां का थर्ड पार्ट है, ये तो मुझे याद हो रखा है। और 8.4 जो वीडियो है 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो सोच सकते हैं। अगर आप देखिए, नहीं मिलता है, लिंक डाल रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, लिंक्स में जो मैंने डाले हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के डाल रखे हैं, उनको देखो। एनसीईआरटी मैंने पूरी करा रखी है, उनको देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और खुद से बनाओ। नहीं होता है, लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे बेटा, वहाँ जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा पार्ट है, याद हो रखा है इतने साल पढ़ाते हुए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे, यदि हम भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो माना कि वो भिन्न क्या है। माना जो भिन्न है बेटा, वो हमने x मान लिया, और आपको पता है ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है बेटा? प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में बोला जा रहा है कि जो भिन्न है बेटा, ठीक है, जो भिन्न है x बट्टा y, अगर उसके अंश में एक जोड़ें और हर में एक घटाएं तो वो एक बन जाती है। एक के बट्टे में एक ले लो, त्रिगुणा करो, x प्लस एक कम एक वाई माइनस एक। प्लस का वाई इधर के माइनस का हो गया, और ये प्लस का वाई इधर के माइनस का हो गया, तो x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। समीकरण एक। ठीक, पुनः द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है कि जो भी आपका भिन्न है अंश में एक जोड़ दो ना, हर में एक जोड़ दें। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 बन जाती है, मतलब अंश में कुछ नहीं करना है। ठीक है, तिरछे गुणा करोगे, 2x y प्लस एक कम वाई एक्स, प्लस का वाई इधर के माइनस का हो गया, ये दूसरा समीकरण आ गया। अब इन दोनों को हल कर लो, x और y के मान निकाल के यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, दूसरा 2x - y बराबर 1। ठीक, सो देखो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से हल करेंगे तो। सेम चिन्ह होने पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो x में से 2x कटाएंगे, माइनस का x प्लस माइनस कटा, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा, x का मान 3 आ गया। चूंकि x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है, तो x का मान 3 है, माइनस वाई माइनस के 2, तो माइनस का 2 इधर के प्लस का 2, तो y का मान कितना आ गया बेटा? 5। अतः भिन्न एक्स बट्टे वाई थी, एक्स का मान कितना है? 3, वाई का मान कितना है? 5। तो ये आपका आंसर आ गया, 3/5। ठीक है, आराम से बन गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो एन पदों का योगफल क्या होगा? ठीक है, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेंगे श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी है। दिया क्या है बेटा? दिया है कि 7 पदों का योग S7 49 है, यानी कि n की जगह पे 7 दे रखा है। n सूत्र क्या होता है बेटा? आपको पता ही है, n बट्टा 2 2a+1n-1 × d, है ना? तो n की जगह पे 7 दे रखा है, 7/2 2a
एन की जगह पर 7 माइनस 1 इंटू डी 49, तो 7 सत्ते 49। सो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 1 7 में से 1 गया, 6 6 से 2 बाहर निकाला तो 3 बचेगा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस 3D बराबर 7। एन पदों का योगफल निकालने के लिए आपको ए और डी का पता होना चाहिए ना, जो कि नहीं दे रखा है। पुनः पुनः हमें क्या दे रखा है कि 17 पदों का योगफल 289 है। 17 पदों का योगफल यानी कि एन बट्टे दो, 17 बट्टे 2, 2a+1, n-1, 17-1, d, 289 है। 17 को 17 से जब गुणा करते हैं तो 289 आता है। सो इधर तो देखो बट्टा 2 अभिनिष्ट आ जाएगा, ए बचेगा, 17 में से 1 गया, 16 2 8 16, 2 से 2 कटा, दूसरा समीकरण आ जाएगा a+8d=17। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। समीकरण देखो इस टाइम पे आगे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, क्यों? क्योंकि हमने पूरे साल भर पढ़ाई की है अभी, और ठीक है तो आपको आता है, आपके लिए कोई चीज़ नहीं तो नहीं है, इसी वजह से फटाफट फटाफट बताता हूँ। अगर धीरे धीरे करेंगे ना तो उतने सारे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, है ना? इस टाइम पे तो सब आता है, बस आपको हिंट चाहिए कैसे कैसे क्या होगा। समीकरण 1 व 2 से, तो पहला समीकरण है a+8d=17, दूसरा क्या था a+3d=7, घटाओ समान चिन्ह पे घटाते, 8 में से 3 गया 5, 5 दूनी 10, तो d का मान आ गया 2। ठीक है, a+3d का मान 7 था, d के जगह पे 2 रख दो तो ये 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो a का मान 1 आ जाएगा। ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब आपको निकालना है एन पदों का योगफल, है ना? एन पदों का योगफल, तो सूत्र क्या होता है, एन बट्टा दो 2a+n-1 इंटू डी। एन के जगह पर एन ही है, ए के जगह पर 1, ठीक है, n-1 और डी के जगह पर 2। सो देखो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 2n-2, 2 प्लस 2 कटा, तो यह आ जाएगा 2n² / 2, 2 से 2 का आंसर आ जाएगा n². सो n पदों का योगफल कितना आएगा बेटा, n²। आराम से हो गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, है ना? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही सॉल्व कराया था, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और ये सब देखो पहले ही मैंने करा रखे हैं, कल ही कराया था, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जिनकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आते हैं। कुछ दिन पहले के सैम्पल पेपर में भी इसको मैंने सॉल्व करा रखा था, और अलग से वीडियो बना के भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है। और ये क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 2, आपके NCERT उदाहरण का क्वेश्चन है ये, ठीक है, NCERT उदाहरण का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।